स्वागत है, पे, which is a part of आपका ऑगस्ट का कम्पाइलेशन था जिन बच्चों का क्लास स्किप हो गया देख लीजिएगा अब ये मत कहना की मैम पांच तारीख का करेंट अफेयर्स क्योंकि वो करेंट अफेयर जो पांच तारीख को आता था क्लास के अंदर वो मैंने ऑलरेडी चार को पढ़ा दिया था क्योंकि पांच को आप लोग क्या पढ़ते हैं सैटरडे संडे का ही तो मिला के पढ़ते हैं तो सैटरडे संडे की जो न्यूज थी वो मैंने आपको संडे को ही पढ़ा दी थी तो अब आपका आज के दिन का जो करेंट अफेयर्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी संडे को वीकली एमसीक्यू के साथ तो आज क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पूरे हफ्ते का रिविजन यहाँ पर आपका रहेगा क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में है आपको पता है इसका रीजन बिकॉज आई एम जस्ट कमिंग बैक वापस आएंगे तो बेंगलुरु सेलेक्ट हूँ लखनऊ टू कानपुर तो टाइम लगेगा ठीक है तो रात हो जाएगी आते आते बट कल सुबह आपका जो क्लास है सात बजे का वो आपका लाइव रहेगा विद द प्रॉपर करेंट अफेयर्स जैसे कि हमेशा होता है ठीक है चलिए क्लास के लिंक को लाइक और शेयर करिएगा और कल से आप लोगों के स्पेशल क्लासेस ये स्टार्ट हो जाएंगे ये शुरू तो अगस्त में ही हो गया था लेकिन अब ये वाले जो दोनों पेपर है ना इन दोनों को कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सुबह सवा बजे कल से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे ऑल गुड टू गो आई होप कि सब तैयार होंगे है ना पहला सवाल देखिए नाइट स्काई सेंचुरी जो है इसको कहां पर बनाया जाएगा तो नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये डेवलप किया जाएगा लद्दाख के अंदर अभी कुछ दिन पहले की बात है नाइट सफारी भी जो था वो न्यूज में आया था जो कि लखनऊ के अंदर डेवलप किया जाएगा इसका आंसर बनेगा लद्दाख दूसरा सवाल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसने अभी हाल ही में अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया यहाँ पर एक ऐप और एक पोर्टल जो है उसको भी लॉन्च किया गया था और ये काम करता है किसके फील्ड में ड्रग्स की प्राइजिंग के लिए ये काम करता है इसका आंसर बनेगा मनसुख मंदाविया मनसुख मंदाविया कौन है ये है हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर अगला सवाल वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी ये कहाँ पे आयोजित किया गया ये जो पर्टिकुलर समिट है ये अब तक के इतिहास में पहली बार आयोजित किया गया है जिसके अंदर फोकस किया गया कि जो ह्योमोपैथी है वो हमारी लाइफ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ह्योमोपैथी जो है वो हमारी लाइफ के लिए एज अ रामबाण काम करती है इसका आयोजन दुबई के अंदर किया गया दुबई का नाम जब भी आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा यूए आएगा और दुबई की जो सरकार या फिर हम कह लें यूए जो है वो पूरी दुनिया की सबसे पहले पेपरलेस कंट्री के रूप में भी सामने आई है अगला सवाल कौन सी इसमें से कंट्री है जो कि क्वाइट सीनियर ऑफिशियल मीटिंग्स का आयोजन करेगी मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में बाद में ज्वाइन कर रहे होंगे आज आपका एक तारीख से लेकर पांच तारीख तक का रिविजन है बट कल से सुबह आपका जैसे करंट अफेयर्स होता है वैसे रहेगा आज की जो न्यूज है वो मैं आपको संडे को पढ़ाऊंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर चारों देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और ये दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया जाएगा आने वाले अगले दो हफ्ते के अंदर क्योंकि अभी बीच में एस की मीटिंग भी मी लगी है ना तो एस की मीटिंग हो जाएगी उसके बाद इसका आयोजन किया जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका को कुछ अमाउंट जो है वो देने को कहा है ताकि उनका जो कर्ज है वो कर्ज यहाँ पर उतर सके सवाल में कहा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा तो ये आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर कहा मिलेगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर अगला एट्थ वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कौन से शहर में किया गया ये जो चैंपियनशिप का आयोजन है इसके अंदर एक खिलाड़ी जो फाइनलिस्ट के रूप में सामने आई जिन्होंने अब तक का पूरे हिस्ट्री के अंदर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जो समय सेट किया है वो समय सबसे क्या है सबसे कम समय लगा है 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा लाइमा पेरू के अंदर इसका आयोजन किया गया इनका नाम क्या है अपेक्षा फर्नांडिस क्या नाम है अपेक्षा फर्नांडिस अगला सवाल एजुकेशन मिनिस्टर्स की बैठक जी ट्वेंटी वाली ये अभी हाल ही में कहां पे आयोजित की गई तो जी ट्वेंटी की जो बैठक है अगर हम इस साल की बात करें तो इसका आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा इंडिया के अंदर होगा और उसके नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा ब्राजील के अंदर होगा लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है नन ऑफ क्योंकि इस बार का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया के बाली के अंदर किया जा रहा है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करेगा धर्मेंद्र प्रधान जी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके अगला सवाल हु हैज द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स भारत के अंदर सबसे पहली बार वर्चुअल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर इंडिया के लिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है क्लास नाइन्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक के जो बच्चे होंगे उन सबको इसके अंदर कवर किया जाएगा इसका करेक्ट आंसर है केजरीवाल अगला सवाल इंडिया बताइए मोस्ट वेल्युबल कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें से अब कौन सी टॉप टेन में नहीं है आपको यह बताना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल क्यों क्योंकि एल जो है वो अभी तक तो टेन नंबर पे हुआ करती थी लेकिन अब ये इलेवेंथ नंबर पर चली गई है अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो नंबर वन पे आपको रिलायंस नंबर टू पे HFC आपको मिलेगा यहाँ पर ये जो एल है इसको रिप्लेस किया है बजाज फाइनेंस कंपनी ने अगला सवाल लिखा हुआ है सर्वे वैक ये क्या है इंडिया की सबसे पहली वैक्सीन है जिसको सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया सवाल इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया तो इसका डेवलपमेंट सिरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया किसके द्वारा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया अगला जूनियर वाटर इंटरनेशनल इसकी शुरुआत जो है वो कब से होती है देखिये ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसका आयोजन वाटर वीक के टाइम पर किया जाता है यानी कि 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में अब इसके अंदर अभी क्या हुआ है अवार्ड दिया गया लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी 1997 से स्टॉक होम्स के अंदर इसकी शुरुआत होती है जिसके अंदर कनाडा के एक स्टूडेंट एनाबेल इनको अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है अगला सवाल आपको बताना है कि आने वाला अगला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा तो आने वाले समय में अगला वाला जो साइक्लोन है उसका नाम क्या होगा अर्ड नाम से इसको जाना जाएगा और जो टाइफून आया हुआ है अभी कहां पर ये जो ईस्ट चाइना सी और चाइना और जापान वाला जो एरिया है वहां पे जो टाइफून आया हुआ है उसका नाम क्या है उसका नाम है नाम नो ये नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार पूछा जाता है अभी हाल ही में चर्चा में था ये क्या है तो दिस इज आर ट्रॉपिकल साइक्लॉन अगला सवाल भाई सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर जरूर करते जाना ठीक है रिकॉर्डेड है तो क्या हुआ मेहनत तो बराबर है ना तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा हाँ जी रमन मेगेसा अवार्ड 2022 अभी हाल ही में दिए गए सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो है अवार्स है कौन सी कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फिलीपींस के द्वारा ये दिए जाते हैं और मनीला के अंदर इन अवॉर्ड्स को दिया जाता है चार लोगों को ये अवार्ड इस बार मिला है आप देख सकते हैं कंबोडिया फिलीपींस जापान और इंडोनेशिया से ये सभी लोग बिलोंग करते हैं इंडिया के अंदर विनोबा भावे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था अगला सवाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है यह चुना गया है किसको यहाँ पर कल्याण चौबे जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है अगला सवाल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हाल में एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन है ये कौन सा वाला है तो ये मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ई कॉप क्या है जम्मू एंड कश्मीर ई कॉप इज द राइट आंसर अगला सवाल कहा जा रहा है कि ये बताइए नुआखाई फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कौन से राज्य में किया जाता है तो ये फेस्टिवल हो गया या राजा पर्व हो गया या फिर आपका ये क्या नाम है जात्रा फेस्टिवल है ये हो गया तो ये सारे फेस्टिवल्स या फिर आपका ये जगन्नाथ रथ यात्रा ये सब कहा होगा ओडिशा के अंदर होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है दिस इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है या आप देख सकते हैं नुआखाई फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया ठीक है इसी के साथ में चौमेनो फेस्टिवल स्पेन के अंदर एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है अगला रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में बोला है कि वो अपना एक सबसे बड़ा कार्बन प्लांट स्टैब्लिश करेंगे ये कार्बन प्लांट जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में लगाया जाएगा आपको ये बताना है तो कार्बन प्लांट है है ना तो ये कहाँ पे लगेगा तो इसको स्टेब्लिश किया जाएगा कहां पर वन एंड दी सिंपल आंसर है ना तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको स्टैब्लिश किया जाएगा और ये क्या करेगा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जितना भी पॉलीबैग्स होते हैं पॉलीस्टर्स होते हैं पॉलीथीन होते हैं इन सबको रिसाइकिल करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा अगला सी ए पी एफ ई -E आवास पोर्टल ये लॉन्च हो चुका है आपसे कहा जा रहा है कि किसने इसको लॉन्च किया है तो अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है जो अमित शाह जी ने लॉन्च किया ये क्या करेगा आवास सुविधाएं यानी कि हाउसिंग फैसिलिटीज जो है उनको पहुंचाएगा किस तक सी के जितने भी जवान हैं उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा अगला सवाल राष्ट्रीय पोषण माह 2022 इसका आयोजन एक तारीख से लेकर तीस तारीख के बीच में किया जा रहा है सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा वाला एडिशन है तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में झुंझुनू नाम की जगह राजस्थान से और आज तक इसका आयोजन होता चला आ रहा है अगर पोषण सप्ताह पूछा जाए तो एक से सात हो जाएगा पोषण माह पूछा जाए तो एक से तीस हो जाएगा और ये फिफ्थ एडिशन है कौन सा है फिफ्थ एडिशन है चलिए अगला इंडियन रेलवे ने मेघदूत मशीन को भी हाल ही में स्टैब्लिश किया है सवाल कहां पर इसको रखा गया है तो इसको रखा गया है कहां पर मुंबई के अंदर ये क्या करेगा जो हमारा एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है उससे क्या बनाएगा पीने के लिए पानी को कन्वर्ट करेगा कंप्रेस होके ये क्या होगा वॉटर का फॉर्म लेगा और ये क्या हो जाएगा पीने के लिए पानी बनाया जाएगा ताकि हंड्रेड प्योर वाटर आप तक पहुंचाया जा सके अनुराग शर्मा जी इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल ट्रेजर ऑफ द पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल में कहा जा रहा है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया तो इसका आयोजन एलिपेक्स के अंदर किया गया ध्यान दीजिएगा ये जगह कहाँ पर है कनाडा के अंदर आपको तो इसकी लोकेशन मिलेगी कनाडा के अंदर आपको तो मोन्ट्रियल नाम की जगह भी मिलती है जहाँ पे वाडा का हेडक्वार्टर है और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो ओजोन ओजोन की जो परत है जो डिप्लीट हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बनेगा क्या हेलीफेक्स कहा कनाडा के अंदर आपको ये मिलेगा तो इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है अगले सवाल पे आइएगा आम बोरगिया इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है ये लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं और टेन मीटर नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ऑल इंडियन रेलवे चैंपियनशिप के अंदर सवाल में कहा जा रहा है इनका जो नाम है वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है तो इनका नाम एथलेटिक्स के साथ में यानी कि स्प्रिंटर है ये धावक है अगर आपसे कहा जाए कि ये तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है ये नेशनल लेवल पर है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड किसके नाम पर है तो वो हो जाएगा बोल्ट के नाम पर जमाइका से वो बिलोंग करते हैं अगला सवाल इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने थ्री फाइव जीरो जीरो रन टी ट्वेंटी मैचेस के अंदर पूरे किए हैं बताइए सोच so, समझ के आंसर करना और जो बच्चे क्लास में बाद में ऐड होते जा रहे हैं आज आपका पूरा वीक चल रहा है यानी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के जो है वो रिवाइज करा रहे हैं सैटरडे संडे का करंट अफेयर्स मैंने आपको संडे को ही पढ़ा दिया था सुबह सात बजे सिर्फ आपका आज का करंट अफेयर्स जो बचा है वो हम आपको पढ़ाएंगे अगले वाले संडे को और कल से अपनी क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएंगी रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर क्या है रोहित शर्मा इज द राइट आंसर ठीक है तो ये था अपना आज का रिविजन आई होप क्या आपने रिविजन कर लिया होगा अब आज इतमान से बैठ के सारी चीजों को पढ़िएगा क्योंकि आपने संडे को मैच देखा होगा तो वो सारा टाइम तो ऐसे ही निकल गया तो उस टाइम को आज यूटिलाइज करिए कल जब आपसे मुलाकात करेंगे सारे क्लासेस आपके एज इट इज कल से शुरू हो जाएंगे ये है टेलीग्राम जहां पे आपको क्लासेस के लिंक मिलेंगे और भाई पेड बैच आठ तारीख से लॉन्च होने जा रहा है सिर्फ दो ही दिनों का समय बचा है तो इसको आप टाइमली ज्वाइन कर लीजिए कोड विल बी क्रथिटेन ये है रैंकर्स बैच के अंदर जिसमें आपको जीएस मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये सब चीजें मिलेंगी इसके साथ ये एजुकेटर्स भी आपको मिल जाएंगे इन सबके भी क्लासेस आप कर पाओगे अपना सवाल पूछ पाओगे आइकॉनिक फीचर्स भी हैं और जो कोड आपको यूज करना है वो होगा प्रति रेलवे से लेके स्टेट पी तक किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको क्या मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे अब आप आपसे इंस्टा और टेलीग्राम पे ही मुलाकात होगी लेकिन बाकी आपसे कल सुबह मिलेंगे सात बजे इसी जगह पर टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप की बाय बाय एंड टेक केयर